A very good evening, my dear students. Now we will continue with your chapter number three, class eight, geography. Mineral and power resource. In the earlier video, we have discussed two types of minerals that are your metallic mineral. Here you can see metallic mineral and your non metallic mineral. Metallic minerals are further divided into ferrous and non ferrous that we have discussed in the previous video. Now we will start with your second topic that is the minerals can be extracted by mining. ड्रिलिंग और क्वेरिंग दीज थ्री आर दी मैथड्स ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ दी मिनरल्स मतलब हमें मिनरल्स को धरती में से निकालना है धरती में से निकालने के लिए मिनरल्स को हमारे पास तीन प्रोसेस होते हैं एक हमारे पास होता है माइनिंग सेकेंड हमारे पास होता है ड्रिलिंग और थर्ड हमारे पास होता है क्वेरिंग राइट माइनिंग जो है वो हमारा फर्दर आगे टू पार्ट्स में डिवाइड है ओपन कास्ट माइनिंग एंड शाफ्ट माइनिंग राइट right, बेटा अब प्लीज इस चीज को ध्यान से समझिए जो हमने पहला ये वाला जो टॉपिक किया है ये हमने किया है टाइप्स ऑफ मिनरल जिसमें मेटेलिक और नॉन मेटेलिक है मिनरल्स हम सबको पता है हमारे धरती के जो अंदर है। इस टॉपिक में हम कर रहे हैं कि हमें अपने मिनरल्स को धरती में से बाहर निकालना है उसके लिए क्या प्रोसेस है तो सबसे पहला हमारा प्रोसेस है माइनिंग माइनिंग आप सबने सुना हुआ है माइनिंग क्या होता है द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट मिनरल्स फ्रॉम रॉक बड़े अंडर दर्थ

ओपन कास्ट माइनिंग में क्या होगा जो हमारे मिनरल्स हैं वो हमारे बहुत ज़्यादा शेलो डेप्थ में होंगे और उन्हें हमें सरफेस लेयर के पास लेकर बाहर निकालना है डेफिनेशन क्या है मिनरल्स दैट लाई एट द शेलो डेप्थ आ चेकन आउट बाय रिमूविंग दिस सरफेस लेयर दिस इज़ नोन एज ओपन कास्ट माइनिंग मीन्स हमारी जो धरती की लेयर है जो आपका क्रस्ट है हमने उसको सरफेस लेयर को हमने खोदना है उसको रिमूव करना है और जो हमारे मिनरल्स मिलेंगे वो हमारे मिनरल्स मिलेंगे ओपन कास्ट माइनिंग मतलब कि ज़्यादा नहीं हम डीप जाएंगे हम थोड़ा सा जाएंगे और हमें वहाँ से मिनरल मिल जाएंगे वो ओपन कास्ट माइनिंग हो गई डीप बोर्स जब हमने बहुत ज़्यादा नीचे गए हैव टू बी मेड टू रीच मिनरल डिपोजेड डेट लाई एट द ग्रेट डेप्थ जब बहुत ज़्यादा नीचे जाने के बाद हमें जो मिनरल्स मिले उन मिनरल्स को हम बोलेंगे शाफ्ट माइनिंग ठीक है माइनिंग क्या हुआ मिनरल्स को बाहर निकालना है वो हो गया हमारा माइनिंग माइनिंग में हम दो तरीके से मिनरल्स को बाहर निकालेंगे एक होगा ओपन कास्ट माइनिंग एक होगा शाफ्ट माइनिंग जब हमने धरती को थोड़ा सा खोदा बिल्कुल शेलो डेप्थ किया और हमारे पास मिनरल आ गए वो हो गई ओपन कास्ट माइनिंग और ये ओपन कास्ट माइनिंग उन जगह पर होंगी जहाँ पर बहुत ज़्यादा रिच मिनरल्स होंगे वो एरियाज में ओपन कास्ट माइनिंग होगी जहाँ पे मिनरल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाकर हमें निकाल बहुत हम जमीन को खोद रहे हैं और वहाँ से हमें मिनरल्स निकाले सो दे ऑल आर नोन एज योर शाफ्ट माइनिंग राइट सो दिस इज टू पार्ट्स ऑफ योर माइनिंग ना नेक्स्ट इज ड्रिलिंग ड्रिलिंग वर्ड वेरी कॉमन पेट्रोल और नेचुरल गैस अब इसमें आपने दो चीजें याद रखनी है पेट्रोलियम और नेचुरल गैस को जब हम अर्थ से बाहर निकालते हैं दैट इज नोन एज योर ड्रिलिंग राइट पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस फार बिलो द अर्थ सरफेस डीप वेल्स आर बोर्ड टू टेकन आउट डैम दिस इज़ नोन एज ड्रिलिंग जहाँ भी आपको ड्रिलिंग वर्ड दिखेगा तो ड्रिलिंग में हम बाहर क्या निकालेंगे हम पेट्रोलियम और नेचुरल गैस बाहर निकालेंगे वो ड्रिलिंग होती है माइनिंग में हमारे पास जो है मिनरल्स हैं वो सॉलिड हो सकते हैं पर ड्रिलिंग में हमारे पास जो मिनरल हैं दैट विल बी अ लिक्विड ओके एंड द सेकेंड वन इज़ नेचुरल गैस ये दो चीज़ें हम जब अर्थ से बाहर निकालेंगे वो हमारी होती हैं ड्रिलिंग अब थर्ड क्या बचा क्वेरिंग मिनरल्स दैट लाए दिस सरफेस आर सिंपली डग आउट बिल्कुल कुछ नहीं करना सिंपली हमने उनको बाहर निकाल लेना दैट इज नोन एज योर ंग सो दीज थ्री आर योर एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स राइट ये आपका क्लियर हो गया पहले हमने पढ़ा है मिनरल्स मिनरल्स हमारे दो तरह के मेटेलिक नॉन मेटेलिक मेटेलिक जिनमें मेटल्स हैं नॉन मेटेलिक जिनमें मेटल्स नहीं हैं फेरस जिनके अंदर आयरन है नॉन फेरस जिनके अंदर आयरन नहीं है ये हमारे हो गए टाइप्स ऑफ मिनरल्स और अभी हमने क्या डिस्कस कर लिया हमने कर लिया एक्स्ट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स सो दिस इज योर Two main topic of the mineral. In the next video, we will start with your distribution of mineral. Thank you, Bitter.